रामटेक के सांसद कृपाल तुमानी, इनका जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीटीपी बीसीएन न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान शेख, इमरान शेख के हाथों फूलों का गुलदस्ता देकर सांसद कृपाल तुमानी को जन्मदिन की बधाई दी गई। सांसद कृपाल तुमानी, इन्होंने नागपुर मेट्रो समाचार दैनिक अखबार की सराहना की तथा शुभेच्छा दी। रामटेक के सांसद कृपाल तुमानी, इनका जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। बीटीपी के मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान शेख, पीसीएन न्यूज की इमरान शेख, इन्होंने जन्मदिन की बधाई फूलों का गुलदस्ता देकर दी। इस मौके पर खासदार कृपाल तुमानी, इन्होंने नागपुर मेट्रो समाचार अखबार की तारीफ की। रामटेक के सांसद कृपाल तुमानी, इनका जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस मौके पर शहर के सार्थक बहुउद्देशीय संस्था और बीसीएन न्यूज की ओर से फ्रंटलाइन वॉरियर्स का सांसद कृपाल तुमानी और डॉक्टर संजय लहाने के हाथों वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। शहर की सार्थक बहुउद्देशीय संस्था की ओर से जरूरतमंदों के लिए फ्री आई कैप, फ्री मोतीबिंदु ऑपरेशन किया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से अभी भी राज्य के ग्रामीण परिसर में पूरी मदद नहीं मिल रही है, जिससे कोरोना की रोकथाम करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में रामटेक के सांसद कृपाल तुमानी, इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम सांसद कृपाल जी तुमाने इनके यहाँ आई हुई है और आज बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि आज सांसद कृपाल तुमाने जी इनका आज जन्मदिन है। आइए उनसे बात करते हैं। तुमाने साहब, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ बीसीएन परिवार की ओर से आपको। और सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कोरोना का जो कामकाज जारी है और काफ़ी कामों का लोड भी आपके ऊपर में है, ऐसे में एक सांसद होने के नाते कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम करना पड़ता है? सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे जो शुभकामनाएं दिया। ये कोरोना काल, पहला कोरोना जो 2020 में आया था, उससे 2021 में काफ़ी डेंजर रूप उसने म्यूटेंट बहुत डेंजर था। और अपन ने देखा है कि पिछले समय ये शहर में फैला हुआ था, केवल नागपुर सिटी के अंदर था, लेकिन इस समय का कोरोना ये पूरे ग्रामीण में फैल गया। और ग्रामीण की जो हम व्यवस्था देखते हैं, ग्रामीण में किसी तरह की व्यवस्था है, जो दवाखाने की व्यवस्था चाहिए, जैसा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 RH यानी ग्रामीण रुग्णालय, 2 उपजिला रुग्णालय, 52 हमारे यहाँ PHC है, लेकिन कोरोना काल में इसमें से केवल 3 RH और 2 उपजिला रुग्णालय काम कर पाए, बाकी जगह कोई व्यवस्था नहीं होने से और बाकी जो सुई सुविधा चाहिए थी वो भी कुछ नहीं होने से हमारे ग्रामीण के काफ़ी लोगों का देहांत ये घर में हो गया। कई लोगों का ग्रामीण में ट्रीटमेंट ना मिलने से, ग्रामीण में फेविफ्लू ना मिलने से, या ग्रामीण में पैरासीटामॉल भी नहीं रहने के बाद में, जो हमने पाया कि उनको जब नागपुर में हम मेडिकल में एडमिट करने लाते थे, जब अप्रैल से मई महीने के बीच में, 10 अप्रैल से 10 मई के बीच में, तो उनको कोई जगह वहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो बेचारे यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आके वापस जाते जाते रास्ते में कई लोगों का देहांत हो गया। मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार की ओर से किस प्रकार की मदद की गई है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब ये लोगों को सुविधा नहीं मिलती तो इसका ठिकरा राज्य सरकार के ऊपर में जरूर फोड़ा जाता है। क्या केंद्र सरकार मदद कर रही है, सहयोग कर रही है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि देश के विकास में राज्य सरकार का जिस तरह सहभाग रहता है, वो 60% सहभाग केंद्र सरकार का होता है, 40% सहभाग राज्य सरकार का होता है। आज मैंने भी कल प्रधानमंत्री जी से मांग किया है चिट्ठी लिख के कि हमारे सांसदों का आपने 10 करोड़ रुपए का जो निधि था वो फ्रीज कर डाला, फ्रीज यानी बंद कर दिया, तो 10 करोड़ का आगे और हमें वो निधि वापस सरकार दे दे और लिख के दे कि केवल आरोग्य सुविधा पर ये पैसा खर्चा किया जा सकेगा, इसमें तुम रोड वगैरह नहीं बना सकते हम। तो ये 10 करोड़ में मैं मेरे रामटेक लोकसभा मतदार संघ के 10 RH और 2 उपजिला रुग्णालय को एकदम अद्यावत कर दे सकता हूँ, जिससे कि उनको नागपुर में कभी किसी पेशेंट को, जिसमें हम HR CT से लेके CT होगा, सोनोग्राफी होंगी, एक्सरे आज तो कहीं नहीं है, ग्रामीण के 1916 गांव में से एक भी गांव या एक तालुका के प्लेस में भी कहीं पे भी सिटी की व्यवस्था नहीं है, कहीं सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, कहीं वेंटिलेटर, एक भी गाँव में, एक भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। ये किसके
मेडिकल में 9 वेंटिलेटर थे, वो भी मेयो को दे दिए हमने। अभी मेयो से वापस लेने का हमारा प्रयास चल रहा है। ये जो है, ये सब सरकार बोलो तो ये जो प्रशासन है, केंद्र सरकार पैसा उपलब्ध कराती है, राज्य सरकार उसके ऊपर अपना पैसा, अपना शेयर डाल के 40% शेयर डाल के उसके लिए दोनों मिलके ये सहभाग होता है। केंद्र ने पैसा ही नहीं दिया तो राज्य ने पैसा नहीं दिया होगा। इस तरह से सारा प्रोग्राम पूरी तरह से फेल हो गया। लेकिन इस कोरोना 2021 ने ये दिखा दिया है कि हमारे देश का विकास केवल शहरों का विकास हुआ है, ग्रामीण में अभी तक कोई विकास हुआ नहीं। महाराष्ट्र के आरएच अगर इस हालत में होंगे तो यूपी बिहार की हालत क्या होगी, ये तो अपन केवल सोच के ही समझ सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप थे सांसद कृपाल तुमाने, जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए ये कहा कि शहर का तो विकास जरूर हुआ है, मगर ग्रामीण की जहाँ बात है, ग्रामीण परिसर का अभी भी विकास नहीं हुआ। इस ओर चाहे केंद्र सरकार हो या हो फिर राज्य सरकार, जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोरोना के कार्यकाल में जिस प्रकार से लोगों की जो मौतें हो रही है, जो आंकड़ा बढ़ चढ़ के आ रहा है, वो काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे में लोगों ने भी सतर्कता बरतना चाहिए और सरकार ने भी उन्हें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, यही समय की मांग है। हम तुमानी जी, आपके जन्मदिन के ऊपर में यही कहना चाहते हैं कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। देने को तो हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन मतदाता ढेर सारा प्यार दे आपको, मतदाता ढेर सारा प्यार दे आपको। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।